सो फ्रेंड्स, यहाँ गुजरात की बरसात शुरू होते ही 100% जो डिमांड है ना पकोड़े और भजिए की बढ़ जाती है। तो आज बिल्कुल मैं आप लोगों को लेके आ चुका हूँ एक ऐसी ही जगह जहाँ हम आपको दिखाने वाले हैं टोमेटो फ्राई भजिया। तो गाइज, अगर आप लोगों ने आज से पहले टोमेटो फ्राई भजिया बनते नहीं देखा हो तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये भजिया देखने के बाद आप भी ट्राई कर सकते हैं। बहुत ही आसान रहने वाला है, हम आपको दिखाएंगे पूरी प्रोसेस। भैया, रोज कितने किलो टमाटर का भजिया बन जाता होगा? रोज का 8-10 किलो टमाटर, कच्चा टमाटर बन जाता है। अच्छा, रोज का 8-10 किलो टमाटर लग जाता है भजिया में? हाँ। मतलब इसकी इतनी डिमांड है यहाँ पे? बहुत ज्यादा डिमांड है इसका। तो बारिश में ही ज्यादा डिमांड रहता है? बारिश में इसका बहुत ज्यादा डिमांड है। बारिश में ज्यादा ये क्या खाने मजा आता है इसको। लोग लाइन लगा के छाता लेके खड़े रहते हैं, मैंने सुना यहाँ पर। अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो थोड़ा और बारिश भरेगा तो ज्यादा ही लाइन लग जाएगा। अच्छा, क्या बात है। तो भाई, इतनी भयंकर डिमांड रहती है इस टमाटर भजिया की। तो ये देखिए, अभी इतना टमाटर कटिंग हो चुका है, वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी इसलिए मैं अभी आपको इतनी ही प्रोसेस दिखा रहा हूँ। अब इस पे लगने वाला इनका स्पेशल चटनी, वो दिखाते हैं हम आपको। सो भाई, यही वो स्पेशल चटनी है जो इस टमाटो भजिया को मतलब टेस्टफुल बनाती है। तो रमन भाई, मुझे बताएंगे इस चटनी में क्या क्या रहता है? चटनी में अदरक, धनिया, मिर्ची, नमक और चाट मसाला। अच्छा, इतनी चीजें रहती है इसमें। तो भाई देखिए, यही वो चटनी है जो इस टमाटो भजिया की पूरी जान है। और ये चटनी हमने आपको बता दिया पूरी, देखिए किस तरीके से इसके ऊपर लगाया जा रहा है और ये पूरा थाली भरा जाएगा। तो भरने दीजिए, फिर हम आपको दिखाते हैं। सो ये देखिए, सारे टमाटर की जितनी भी स्लाइस थी सब पर ये ग्रीन चटनी लगा ली गई है। और यहाँ पर हमारा ये भजिया का जो प्रोसेस है 50% खत्म हो चुका है। इसके बाद हम दिखाएंगे आगे की प्रोसेस। वैसे रमन भाई, टाइम क्या है, कितने बजे आप चालू करते हैं ये? अभी बारिश के समय में सुबह 10 बजे चालू होता है, बाकी तो गर्मी के टाइम में 12 बजे से स्टार्ट होता है अपना। और कितने बजे तक रहते हैं आप लोग? रात को 1 से 1.5 बजे तक। 1 से 1.5 बजे तक, क्या बात है। तो ये देखिए, यहाँ पर टमाटो का आगे का प्रोसेस हम लोग देखते हैं। तो ये बेसन है और बेसन को यहाँ पर अभी रेडी किया जा रहा है, फेटा जाएगा ताकि इसके अंदर प्रॉपर ये जो टमाटो वाला पीस है इसको फेटा जाए बढ़िया से। कितना साल हो गया रमन भाई आपको ये सब बनाते हुए? 8 से 10 साल हो गया। 8 से 10 साल हो गया। तो ये देखिए, यहाँ पर बेसन बहुत ही बढ़िया से फेट लिया गया है। एक एक करके ही डालना पड़ता है इसमें? एक एक डालना पड़ता है। तो अभी तो 50% हाफ फ्राई करके रख लेते हैं ना हम लोग। हाँ, और उसके बाद जैसे जैसे ऑर्डर रहता है फ्रेश। अच्छा, तो क्या क्या रहता है अपने पास और इस पकोड़े भजिया में? अपना कुम्हरिया भजिया होता है, टमाटर पुरी होता है, फ्रेंच फ्राई होता है, पत्ती मिर्चा होता है। अच्छा, पत्ती मिर्चा का भी भजिया बनता है? हाँ, पत्ती मिर्चा का भजिया बनता है, फ्रेंच फ्राई का भी है। अच्छा, तो ये देखिए भाई, यहाँ पर किस तरीके से जो ये टमाटो पूरी है कितना बढ़िया यहाँ पर फूल रही है फ्राई होने के बाद। तो आप लोग देख सकते हैं, जो एक बार में टमाटर कटिंग किया गया था वो पूरा टमाटो का यहाँ पे आप देख रहे हैं, पूरा एकदम कढ़ाई में डाल लिया गया। ये हाफ हो गया है? अच्छा। अब खाना रहेगा तो इसको हम फुल करेंगे ना? जैसे ऑर्डर आएगा मैं इसको फुल करेंगे। अच्छा, तो भैया आप टोमेटो पूरी का एक प्लेट हमारे लिए लगा लीजिए। वो भी मिनिमम 100 ग्राम ही आएगा। अच्छा, भी आता है टोमेटो पूरी वजन पे रहेगा मिनिमम 100 ग्राम। अच्छा, ये आपका हो गया। तो ये मिनिमम यहाँ पर 100 ग्राम लगाया गया है और इसको यहाँ पर किया जाएगा अभी फुल फ्राई। फुल फ्राई होगा, अभी कच्चा था, फुल फ्राई होगा। अच्छा,
सो इसका क्या प्राइस रहता है भैया टोमेटो पूरी का? सबका 300 रुपये किलो भैया। अच्छा 300 रुपये किलो सब, मान लीजिए 350 रुपये किलो, 400 किलो, अपने पास 300 रुपये किलो बचेगा। 300 रुपया किलो रहता है। तो भाई यहाँ पर हमने टोमेटो पूरी भी ले लिया है, चलिए इसकी भी प्लेट रेडी होती है, ट्राई करते आपको बताते हैं। मतलब कटिंग करके सर्व किया जाता है? हाँ, कटिंग करके सर्व, नहीं तो ऐसे खाएंगे तो मुंह जल जाएगा। अच्छा अच्छा, बहुत गर्म रहता है। ये टमाटर पूरी का प्लेट लग चुका है आपका, एक प्लेट 100 ग्राम। ये टमाटर पूरी भी रेडी हो गया? रेडी। अच्छा चले गाइस, फिर ट्राई करते हैं और आपको बताते हैं कैसा टेस्ट है और लोकेशन वगैरह। सो भाई देखिए, जैसे बारिश का मौसम शुरू होता है, जैसे मॉनसून की एंट्री होती है, वैसे ही हमारे खाने की इच्छा भी कुछ इस कदर बढ़ जाती है कि हम लोग पकोड़े भजिया की तरफ भागने लगते हैं। तो सूरत की तो बात ही अनोखी है, यहाँ पर मिलता है टमाटो भजिया, टमाटर के पकोड़े जो हमने आपको बनते हुए दिखा दिए। चलिए फाइनल हम उसे दिखाते हैं कि टेस्ट में कैसा। ये देखिए एकदम क्रंचीदार हुआ है, एकदम फर्स्ट क्लास हुआ है। तो ये खजूर इमली की चटनी दी गई है, ये पालक की चटनी है। आइए एक स्लाइस लेते हैं। क्या बात है भाई, मैंने सोचा नहीं था कि टमाटर का जो टेस्ट है पकोड़े या भजिए के अंदर इतना स्वादिष्ट होगा। सच में यार, जो इसके अंदर चटनी है ना, उसका पूरा का पूरा कमाल है। इतना बढ़िया टेस्ट आ रहा है इस पकोड़े का, मतलब आप सोचो कि एक तरफ बारिश हो रही है और आप आकर ये टमाटर पकोड़े खा रहे हो, भजिया खा रहे हो, तो भाई बारिश का मजा ही बदल जाएगा। तो गाइस बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, और मैं तो कहूँगा कि अगर आप लोगों को मौका मिले तो ज़रूर आकर के यहाँ पर ये टमाटर भजिया ट्राई कीजिएगा। चलिए हम इनका एड्रेस आपको दिखा देते हैं ताकि आप लोग भी आ सके। वैसे आप लोग ये जो बाकी का देख रहे हो, इसमें दूसरे भजिए हैं, इसकी वीडियो भी बहुत जल्द आपको देखने को मिल जाएगी। तो भाई ये है ओम साई कुंभाड़िया भजिया, और इनका ये लोकेशन जो आप देख रहे हो पाल के अंदर, सूरत पाल, जिसमें गुरु राजेंद्र सर्कल है, और गुरु राजेंद्र सर्कल के एग्जैक्ट सामने आपको मिल जाएगा सुमन छाया अपार्टमेंट। और इस तरफ जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, पाल उमरा ब्रिज उतर के जब आप आते हो तो यहाँ से सीधे अंदर आने के बाद आप इन तक आ सकते हो। बाकी इनका एड्रेस आपको हम स्क्रीन पर भी दे देंगे।